हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आरएफ टेक की क्लास में हम आज लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, तो इनको पढ़ना और लिखना आज की क्लास में हम लेकर आए हैं, तो सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है R E A D, इसे हम पढ़ेंगे रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। अगला वर्ड है WRITE, यहाँ पे W वर्ड जो है साइलेंट हो जाएगा, RITE, इसे हम पढ़ेंगे राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। SING, इसे हम पढ़ेंगे सिंग। SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब होता है गाना। DANCE, इसे हम पढ़ेंगे डांस। ड का डी एक बड़ा की मात्रा, न का अंग बिंदी, CES, इसे हम पढ़ेंगे यस। तो DANCE डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस का मतलब होता है नाचना। TEACH, इसे हम पढ़ेंगे टीच। ट का टी, ई का बड़ी की मात्रा और CH का चा। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ना। टीच का मतलब होता है पढ़ना। LOSE, इसे हम पढ़ेंगे लूज। ल एल ओ लू अश्र क ज, कुछ जगह सा को हम जा पढ़ते हैं, कुछ जगह सा को यस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम जा का यूज करेंगे। LOSE लूज। लूज का मतलब होता है हारना। OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन। OPEN ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना या खुला हुआ। CLOSE, इसे हम पढ़ेंगे क्लोज। CLOSE क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। HERE, इसे हम पढ़ेंगे हेयर। हेयर, हेयर का मतलब होता है यहां। WIN विन, WIN विन। विन का मतलब होता है, यहाँ पे बा का यूज नहीं होगा, वा। WIN, इसे हम विन पढ़ेंगे। विन, विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब होता है जीतना। NOW नाव। NOW, इसे हम पढ़ेंगे नाव। नाव, नाव का मतलब होता है अब। नाव का मतलब होता है अब। LATER, इसे हम पढ़ेंगे लेटर। लेटर, लेटर का मतलब होता है बात मीन। लेटर का मतलब होता है बात मीन। FAST, फास्ट। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का मतलब होता है तेज। SLOW, इसे हम पढ़ेंगे स्लो। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लो का मतलब होता है धीमा। THEERE, देयर। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। एन ई
डब्ल्यू, इसे हम पढ़ेंगे न्यू, न आधा न, ई डब्ल्यू या बड़ा उ की मात्रा, इसे हम लिखेंगे न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू का मतलब होता है नया। ओ एल डी ओल्ड, ओ एल डी ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। यफ और आई ई एन डी, इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ए एन ई एम वाई, इसे हम पढ़ेंगे एनमी, एनमी। एनमी का मतलब होता है दुश्मन, एनमी का मतलब होता है दुश्मन। आर ओ एस ई रोज, रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब, रोज का मतलब होता है गुलाब। एच ओ पी ई, इसे हम पढ़ेंगे होप, होप। होप का मतलब होता है आशा, होप का मतलब होता है आशा। टी आई एम ई, इसे हम पढ़ेंगे टाइम, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब होता है समय। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार, वॉल का मतलब होता है दीवार। यस ओ एन जी, इसे हम पढ़ेंगे सॉन्ग, सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, यस ओ एन जी सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। एच ए आई आर हेयर, हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, हेयर का मतलब होता है बाल। एल ई ए एफ, इसे हम पढ़ते हैं लीफ, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, लीफ का मतलब होता है पत्ती। डब्ल्यू आई एन डी, इसे हम पढ़ते हैं विंड, डब्ल्यू आई एन डी विंड। विंड का मतलब होता है हवा, विंड का मतलब होता है हवा। टी आर डबल ई ट्री, ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, ट्री का मतलब होता है पेड़। जे यू एम पी जंप, जे यू एम पी जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, जंप का मतलब होता है कूदना। यफ आई एस एच फिश, फिश। फिश का मतलब होता है मछली, फिश का मतलब होता है मछली। बी आई आर डी, बी आई आर डी बर्ड, बर्ड। इसे हम क्या पढ़ेंगे बर्ड, बर्ड का मतलब होता है पक्षी, बर्ड का मतलब होता है पक्षी। R A I N, रेन, रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा, रेन का मतलब होता है वर्षा। M double O N, मून, मून। मून को हम पढ़ेंगे चांद,
चांद, एल ओ वी ई, लव, लव, लव का मतलब होता है प्यार, लव का मतलब होता है प्यार। यस टी ए आर, स्टार, स्टार, स्टार का मतलब होता है तारा, स्टार का मतलब होता है तारा। बी ओ ए टी, बोट। बोट, बोट का मतलब होता है नाव, बोट का मतलब होता है नाव। यफ आई आर ई, इसे हम पढ़ेंगे फायर, फायर। फायर का मतलब होता है आग, फायर का मतलब होता है आग। बी डबल ओ के, बुक, बी डबल ओ के, बुक। बुक का मतलब होता है किताब, बुक का मतलब होता है किताब। यस ओ एन जी, इसे हम पढ़ेंगे सॉन्ग, सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, सॉन्ग का मतलब होता है गाना। एच ओ पी ई, होप, होप। होप का मतलब होता है आशा, आशा। यस एच ओ ई, सू, इसे हम पढ़ेंगे सू। सू का मतलब होता है जूता, सू का मतलब होता है जूता। एल ए एम पी, इसे हम पढ़ेंगे लैम्प, एल ए एम पी, लैम्प। लैम्प का मतलब होता है चिराग, लैम्प का मतलब होता है चिराग। डी यू सी के, डक, डक। डक का मतलब होता है बतख, डक का मतलब होता है बतख। एच ए एन डी, हैंड, हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ, हैंड का मतलब होता है हाथ। जी ओ एल डी, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड का मतलब होता है सोना। आर ओ एस ई, रोज, रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब, गुलाब। आर आई एन जी, र को आर होगा, आई का छोटी की मात्रा, अंक, एन का अंक की बिंदी और जी का गा, इसे हम पढ़ेंगे रिंग, आर आई एन जी, रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। न का एन, ओ का ओ की मात्रा, यस का जा, इसे हम पढ़ेंगे नोज, एन ओ एस ई, नोज। नोज का मतलब होता है नाक, नोज का मतलब होता है नाक। जी ए टी ई, गेट, इसे हम पढ़ेंगे गेट, गेट का मतलब होता है दरवाजा, गेट का मतलब होता है दरवाजा। फ्रॉग, यफ आर ओ जी, फ्रॉग, फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। टी एच ए एन के एस, थैंक्स, टी एच ए एन के एस, थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद। पी एल ई एस ई, प्लीज, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया। यस ओ आर आर बाय, सॉरी, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है
क्षमा करना, क्षमा करना, GOOD, गुड गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। HAPPY, बाय हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुशी, हैप्पी का मतलब होता है खुशी या खुश होना। SMALL, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। LOVE, लव, लव, लव का मतलब होता है प्यार, लव का मतलब होता है प्यार। HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेट, हेट, हेट का मतलब होता है घृणा, घृणा। COME, COME, कम, कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब होता है आना। SLEEP, SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। SHKS, LKL, डबल ई का बड़ी की मात्रा, पी का पा, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब होता है सोना। LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ का मतलब होता है हंसना। SEE, सी, सी, SEE, सी, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। BAAT, वीटो, वीटो, वीट का मतलब होता है पीटना, वीट का मतलब होता है पीटना। LOOK, लुक, LOOK, लुक, लुक का मतलब होता है देखना। SEE, सी का मतलब भी होता है देखना, और LOOK, लुक, लुक का मतलब भी होता है देखना। READ, रीड, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। HEAR, हियर, HEAR, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, हेयर का मतलब होता है सुनना। BEE, BEE, बी का मतलब होता है होना, वी का मतलब होता है होना। HAVE, हैव, हैव का मतलब होता है पास, हैव का मतलब होता है पास। DO, डू, डू का मतलब होता है करना, DO, डू का मतलब होता है करना। GO, जियो, गो, गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना। CAN, कैन, CAN, कैन, कैन का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब होता है सकना। GET, गेट, गेट, गेट का मतलब होता है मिलना, गेट का मतलब होता है मिलना। WRITE, राइट, राइट, राइट मतलब होता है लिखना, लिखना। MAKE, मेक, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना। WILL, विल, विल, विल का मतलब होता है
इच्छा, विल का मतलब होता है इच्छा, THINK, थिंक थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना, TAKE, टेक, टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब होता है लेना, AS, AS, AS का मतलब होता है जैसे या जैसा, ABOVE, 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 above का मतलब होता है ऊपर, AT, 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 एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।